Okay, assalamu alaikum to class. Now we are moving towards unit 13 and the unit name is here and the topic is earth and the atmosphere. Yani hamari zameen aur hamare ird ke jo aboba hai. And in class 1 you have read unit 10, the earth and the atmosphere. Aapko pata hai jab aap thode lower classes mein hote hai, actually aap wahi concept lete hai, but in a very basic level. आप बहुत ही बेसिक लेवल पे इंफॉर्मेशन लेते हैं, व्हेन यू ग्रो मोर एंड मोर, व्हेन यू बिकम एल्डर, देन यू लर्न द टॉपिक यू हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, बट लिटिल इन डिटेल्स. आप थोड़ी डिटेल्स में जाके पढ़ते हो उसको, ठीक है? सो हैव कॉन्फिडेंस दैट समथिंग यू ऑलरेडी न्यू अबाउट द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडे, एंड दैट इज एयर. जो हमारा एटमोसफेयर है, what is that? The thing which is all around us, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सब मिलके हमारा जो है वो एटमोसफेयर बनाती है. हाँ, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स बोथ आर इंक्लूडेड. सब चीजें उसमें जो है वो शामिल होती हैं. अब उसमें से एयर जो एक उसका एस्पेक्ट है, जो इसका एक एलिमेंट है एटमोसफेयर का, आज हम उसको पढ़ेंगे कि उस एलिमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी जिंदगियों में क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके अंदर से हम क्या क्या बेनिफिट्स लेते हैं, और उसे हमें उस एलिमेंट को, हमारी एनवायरनमेंट का जो एलिमेंट है उसे हमें सेव कैसे कर रहा है. आपको याद होगा कि वाटर का हमने पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि वाटर को आपने किस किस तरह से सेव करना है और ये किस किस तरह से पॉल्यूटेड होता है. नाउ अब हम पढ़ेंगे एयर को. We know that air is a gas, और हम उसको as a combination of different gases. उसमें आप देखें कि air को you cannot touch, cannot feel, just you can just feel the air. That some air is present everywhere. हर जगह पे मौजूद होती है. And if the air is moving और आप feel करें कि हवा चल रही हो, and how you feel that? आप कैसे move करते हैं? When you run somewhere, आप तेजी से भागते हैं जब, तो आप फील करते हैं कि समथिंग इज टचिंग टू योर फेस, आपको पुश कर दिया हवा जो है पीछे की तरफ. या आप देखें कि लुक एट दिस पिक्चर, जब आप भी कभी फ्लैग लेके या कोई चीज लेके भागते हैं तो यू फील दैट समथिंग इज पुशिंग दैट थिंग बिहाइंड, उसको पीछे की तरफ पुश कर रहा. इसी तरह फ्लैग भी पीछे की तरफ पुश होता है. या आप खुद भागते हैं तो आपके जो क्लॉथ्स होते हैं वो पीछे की तरफ जो है वो पुश होते हैं. तो दैट इज एयर, वो हवा है जो उनको पुश करती है. अब एयर जो है वो आपको पता है कि दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर एनवायरनमेंट, बिकॉज वी ब्रीद इन द एयर एंड व्हाट वी ब्रीद फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन, वी इनहेल द ऑक्सीजन. एंड इवन एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर, कोई भी जिंदगी एयर के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती. आपको पता है, आपने पढ़ा था देयर इज नो लाइफ ऑन द मून बिकॉज देयर इज नो एयर. वहां पे एयर नहीं है तो इसकी लाइफ मुमकिन नहीं है. अब एयर जो है, आपको पता है कि ये पोल्यूट कैसे होती है, ये डर्टी कैसे होती है, ये खराब कैसे होती है, व्हेन स्मोक डस्ट एंड ऐश, इसके अंदर जो है स्मोक ऐड हो जाए, ऐश ऐड हो जाए, ये डस्ट, आपको जो हवा नजर आ रही होती है उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन हम उसको नेकेड आई के साथ, सिंपल आई के साथ नहीं देख सकते. इफ वी यूज माइक्रोस्कोप एंड समथिंग इंस्ट्रूमेंट्स विच हेल्प्स अस टू सी दैट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन द एयर, देन वी कैन सी दैट. अगर हम उसको देखें तो हमें फील होगा कि उसके अंदर जो है वो डस्ट है, उसके अंदर ऐश है, और उसके अंदर जो है वो स्मोक है. क्योंकि आप ये देखिए कि ये जब आप वाटर, आपको पता है हमने पढ़ा था कि वाटर लिक्विड कैन चेंज इनटू गैस, तो जब आप पानी रखते हैं यहाँ पर वो जो गैस बनती है, उसकी जो स्मोक बनती है, तो वो कहाँ जाती है? जाहिर बात है कि वो एयर में शामिल हो जाती है. एंड इवन व्हेन यू पुट योर वेट क्लॉथ्स इन द सन, आप धूप में जब अपने कपड़े डालते हैं तो वेयर द वाटर गोज फ्रॉम योर वेट क्लॉथ्स, वो जो पानी आपके गीले कपड़ों के अंदर, वेयर डज इट गो? ये वेपोरेट कर जाता है, उसके वेपर्स बन जाते हैं, वो भी एयर के अंदर मौजूद होते हैं. तो अब हमें क्या पता चला कि व्हाट आर द पार्टिकल्स ऑफ द एयर, व्हाट इज प्रेजेंट इन द एयर. अगर टीचर आपसे ये पूछे तो यू मस्ट नो दैट देयर इज वेपर्स इन द एयर, देयर इज डस्ट, देयर इज स्मोक एंड इज अ ऐश. ये तमाम चीजें जो है वो एयर के अंदर मौजूद होती हैं. वाटर वेपर्स, ऐश,
dust and smoke. These are all present in the air, but we cannot see with our simple eye or with our naked eye. We need to use some instrument to see and observe. अच्छा अब ये है कि जो चीजें एयर के अंदर मौजूद होती हैं, इसके बावजूद हम इसमें से ऑक्सीजन जो है वो इनहेल कर लेते हैं. अब वो कहते हैं कि डू यू रिमेम्बर का मतलब क्या आप ये इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या आपको ये भी याद है. तो क्या चीजें जो आप पहले पढ़ चुके हैं और आपको याद होनी चाहिए थी. द गैस दैट वी ब्रीथ इन टू स्टे अलाइव इज ऑक्सीजन. आपने ये पहले पढ़ा था क्लास 1 में कि वी इनहेल ऑक्सीजन एंड इस ऑक्सीजन की वजह से हम जो है वो जिंदा रहते हैं. इट इज द सेम गैस दैट हेल्प्स अ कैंडल बर्न. और यही जो है वो हमें हेल्प करती है कैंडल को बर्न करने में. किसी भी जगह पर कोई भी चीज अगर हमने आग लगानी है तो ऑक्सीजन उसमें हमारी मदद करती है. उसके बाद हाउ डज इट बिकम पॉल्यूटेड इम्प्योर पॉइजनस. ये पॉइजनस और इम्प्योर कैसे होती है. पॉइजनस और इम्प्योर कैसे हो जाती है. व्हेन देयर इज स्मोक एश एंड गैसेस. जब ये धुआं जो है, या आपको पता है कि हमारी जो व्हीकल्स हैं वो जो रोड पे चलती हैं, दे लीव स्मोक. उनके अंदर से जो स्मोक निकलता है, अगर जो है वॉल्केनो कभी कहीं पे आतिशबाजी जिसको आप कहते हैं, वॉल्केनो एरप्ट होता है, तो जब वो एरप्ट होता है तो उसके अंदर से आग निकलती है, स्मोक निकलता है, उसके अंदर से फिर ऐश निकलती है. क्योंकि जब वो जलती आग तो हमेशा आग के जलने के बाद ऐश जो है वो बाकी रह जाती है. तो ऐश स्मोक एंड गैसेस जो है, जब ये सारी एयर के अंदर जमा हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तो एयर बिकम इम्प्योर एंड पॉइजनस एंड पॉल्यूटेड. एयर बिकम्स इम्प्योर poisonous and polluted and it is really very harmful for the life of the living things. Living things ke life ke liye ye bahut zyada dangerous hai. Ab ye ki how can we tell there is air around us. Hum kaise bata sakte hain ki hamare ird gird air hai, hawa jo hai wo maujood hai. Aapko maine bataya ki when we run and we feel something is pushing to hum kehte hain ki ye hawa hai. And when we move our hand to we can feel that there is air. और इसके अलावा you know what is wind. जो हवा तेजी के साथ चलती है, तेजी के साथ move करती है, तो हम कहते हैं there is a wind. So moving air is called wind. अगर teacher आपसे पूछे what is wind, तो you can answer moving air is wind. अगर teacher पूछे how the air become poisonous or polluted, you can give the answer if there is smoke, ash and gases present in the air become polluted, poisonous or impure. अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि do you know, क्या आपको पता है, do you know about this? This is a balloon which is having the hot air. जब जो hot air होती है वो हमेशा जो है वो cold air से lighter होती है. जब हवा जो है वो गर्म हो, जैसे look at the steam. Actually it is what? It is hot. जैसे ये गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा से हल्की होती है, इसीलिए हमने देखा है कि जिस चीज के अंदर ये जो बैलून है इसके अंदर गर्म हवा हॉट एयर भरते हैं वो, तो ये ऊपर की तरफ जो है वो उठना शुरू कर देती है. दिस इज द रीजन व्हाई हॉट एयर बैलून्स कैन राइज हाई इन द स्काई. इसी वजह से चूंकि वो हल्की होती है, लाइटर होती है कोल्ड एयर से, तो जो हॉट एयर का बैलून होता है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द एयर. एयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग थिंग्स. व्हाट डज कंटेन्स. एयर कंटेन्स डिफरेंट गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन. एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रीथ एंड टू लिव फॉर द लिविंग थिंग्स. द ऑक्सीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग थिंग्स. हाउ द एयर बिकम्स पॉल्यूटेड. वी कैन गिव द आंसर दैट इफ देयर इज अ स्मोक, देयर इज अ डस्ट पार्टिकल्स एंड देयर इज एश इन द एयर, the air will become impure or poisonous and polluted. So this is all about the information regarding air, that air is a very important particle, very important element of our environment. It helps the living things to live properly. Thank you very much.